जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी NFR की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल यहां जो पद निकाले गए हैं 5,636 पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं और साथ में ITI किए हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो फॉर्म है तो 1 जून 2022 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 जून 2022। तो आप इन दो डेटों के बीच फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास टोटल पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। तो 5,636 टोटल पद यहाँ निकाले गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पास आपका सिलेक्शन केवल और केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। कोई भी एग्जाम यहाँ पास नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई इंटरव्यू। आपका यहाँ पास सिलेक्शन केवल और केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। अब ये मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी? तो 50% आपके ITI से और 50% आपके 10th क्लास से लिए जाएंगे। अब मान लीजिए कि यदि आपके 10th क्लास में 70% हैं और ITI में 70% हैं, तो इन दोनों को मिलाकर 140% हुआ। फिर इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 70%। कुछ इस प्रकार मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पास डिवीजन वाइज पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, कटिहार वर्क शॉप में 919 पोस्ट निकाली गई हैं। अलीपुर दौरपुर में यहाँ पास 522 पोस्ट निकाली गई हैं। रंगिया में 551 पोस्ट निकाली गई हैं। लुमडिंग में 1140 पोस्ट निकाली गई हैं। तिनसुकिया में 545 पोस्ट निकाली गई हैं। न्यू बोनगई गांव में 1110 पोस्ट निकाली गई हैं और डिब्रूगढ़ में 845 पोस्ट निकाली गई हैं। तो टोटल यहां पर 5,636 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बाद आपको यहां पर डिवीजन वाइज और ट्रेड वाइज पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, मैकेनिस्ट, बेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, बेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी ट्रेड में यहां पर भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि किस डिवीजन में आपको अप्लाई करना है और फिर यहां पर अप्लाई करिएगा। ओके, तो ये आपको पूरी यहां पर लिस्ट मिल जाएगी। तो आप आराम से देख लीजिएगा इसको डाउनलोड करके। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर 15 साल से लेकर 24 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपको एज में छूट भी मिल जाएगी। SC ST कैंडिडेट को यहाँ पास 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पास एज में छूट मिल जाएगी। PWD कैंडिडेट को यहाँ पास 10 साल की एज में छूट मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में ITI किए हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अप्लीकेशन फीस यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी वालों की यहाँ पर 100 रुपये फीस लग रही है और इसके अलावा यहाँ पास SC ST PWD या महिला कैंडिडेट हैं यदि आप, तो आपकी फीस 1 रुपये नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।